हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से स्वागत है हमारा स्पेशल प्रैक्टिस सेट में, जो हम लोग डेली जो है 8 PM पे डिस्कस करते हैं। तो इस सेट में आपको लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी एग्ज़ाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर आधारित हम लोग यहाँ पे इस सेशन में क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और साइट पर विजिट नहीं किया तो विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सीरीज आपका डेली 8 PM पे आता है, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है UPPCL 2022 एग्जाम। वैसे मैं जिस भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराऊंगा सभी में क्वेश्चन आपके अलग होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये UPPCL जेई के लिए ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आप एग्जाम दोगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज का नाम है नेक्स्ट लेवल पावर MCQ सीरीज, जो आपका डेली 8 PM पे आता है, ठीक है। मेस टाइप के MCQ लेटेस्ट होते हैं आपके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को अपना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जस्ट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, इसके बीच का हमें यहाँ पे रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो ससेप्टिबिलिटी होता है, ये होता है आपका रिलेटिव परमेबिलिटी माइनस वन होता है आपका, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है आपका SSC के, मतलब SSC में आपका यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी को, जो ससेप्टिबिलिटी होता है ये आपका रेशियो होता है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये आपका होता है। फार्मूला भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जैसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, जिसे हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी को जो है कभी कभी इंटेंसिटी दे देगा आपका, ठीक है, और ससेप्टिबिलिटी देगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका ध्यान रखिएगा, और ससेप्टिबिलिटी बराबर रिलेटिव माइनस वन होता है। इसी को यहाँ पे बोला गया गया है कि क्वेश्चन पे इजली आपका ये बोला गया है कि अगर हम रिलेटिव परमेबिलिटी को जो है म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट को, इससे ससेप्टिबिलिटी को यहाँ पे के से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और इसको तो इसी से रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस वन। इसी को क्या करना है आपको, ये अगर निकालिएगा रिलेटिव बराबर, तो ये आपका वन इधर आ जाएगा ना, तो के प्लस वन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे का पहला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा, ठीक है। तो घुमा के क्वेश्चन, बस आपका थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, मेन फार्मूला यही है आपका, ठीक है। ये मेन फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रिलेटिव, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि किसी मटेरियल का अगर हम रिलेटिव परमिबिलिटी बढ़ा दें तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बढ़ने घटने का भी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, और यहाँ से तो न्यूमेरिकल आता ही आता है आपका, ठीक है। तो हर एक चीज़ को आप समझते रहिए कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्या नहीं बन सकता आपका, ठीक है, जिसके वजह से आप ही के लिए आसानी होगी और जो बिगनर होंगे उनको भी आइडिया पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है द सर्किट सो इम्प्लॉय द टू चॉपर टू द सप्लाई लोड, दिस चॉपर इज ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है वहाँ पे वन कोऑर्डिनेट ड्राइव टू, ये किस टाइप का, ये जो है आपका इजिली टू कोऑर्डिनेट ड्राइव होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट बस आपको एक शॉर्ट नोट्स टाइप का ले लो, आप चॉपर की यहाँ पे वर्किंग मैं नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है। टाइप ए जो चॉपर होता है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट चॉपर या फिर वन कोऑर्डिनेट ड्राइव, ठीक है। इसे ये रुक जाओ, यहीं पर मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, जस्ट वन सेकेंड। जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट चॉपर होता है ना, इसे हम बोलते हैं जो टाइप ए चॉपर होता है वो आपका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट ड्राइव होता है आपका, ठीक है। अब इसमें वर्किंग आपको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ये आपका आउटपुट वोल्टेज होता है और यहाँ पे करंट, यहाँ पे वन कोऑर्डिनेट ड्राइव होता है आपका, ठीक है। इसी तरीके से जो टू कोऑर्डिनेट ड्राइव होता है, ये आपका होता है टाइप बी चॉपर के लिए, ठीक है, टाइप बी चॉपर के लिए। इसमें भी जो है अगर देखिएगा फिगर, तो यहाँ पे प्लस V0,
यहाँ पे टू कोऑर्डिनेट मतलब सेकेंड ये वाले कोऑर्डिनेट में ऑपरेट करता है, ठीक है। और इसी तरीके से हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट ड्राइव जो होगा, टाइप सी टू कोऑर्डिनेट टाइप ए चॉपर होता है, ठीक है। टू कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए, इसको थर्ड वाले को छोड़िए, ठीक है, इसको छोड़िए, फोर कोऑर्डिनेट को देखिए। फोर कोऑर्डिनेट जो ये होता है आपका टाइप ई चॉपर, ठीक है। टाइप ई चॉपर को हम बोलते हैं, ये जो ऑपरेट होता है फोर कोऑर्डिनेट में ऑपरेट होता है, ठीक है। मतलब इधर भी ऑपरेट होता है, इधर भी, ये फोर कोऑर्डिनेट, बस यही क्वेश्चन बनता है आपका। वर्किंग वर्किंग से हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टाइप ई जो चॉपर है फोर कोऑर्डिनेट हो गया आपका। उसके बाद बचता है हमारा टाइप डी चॉपर, ठीक है। तो टाइप डी जो चॉपर है इसे हम बोलते हैं टू कोऑर्डिनेट टाइप बी चॉपर। बस आपको यही नाम देके पूछते हैं आपका टाइप डी चॉपर को, हो ये पूछ लेगा कि टाइप डी चॉपर क्या जो है कैसा होता है, या ये क्वेश्चन पूछेगा कि टू कोऑर्डिनेट टाइप बी चॉपर इज आल्सो कॉल्ड एज, तो टाइप डी चॉपर, ठीक है। और इसी तरीके से टाइप सी, बस लिख लीजिए लास्ट है आपका, टाइप सी जो चॉपर है ये होता है आपका टू कोऑर्डिनेट टाइप ए चॉपर, ठीक है। तो बस यही है आपका इजली। यहाँ पे जो टाइप बी हो गया आपका, टाइप टाइप सी हो गया, टू कोऑर्डिनेट टाइप ए चॉपर बोलते हैं इसे। तो और इसकी जो ग्राफ अगर देखिएगा तो ये आप टाइप ए में जो टाइप ए है आपका वन कोऑर्डिनेट ड्राइव होगा, तो टाइप सी में जो है टू कोऑर्डिनेट मतलब ए में दो, यानी फर्स्ट और सेकेंड में आपका ड्राइव करेगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डी में, तो यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा आपका टू कोऑर्डिनेट बी है ना, तो यहाँ पे देखो बी में क्या है, इस साइड ऑपरेटर, तो ये हो जाएगा आपका टू कोऑर्डिनेट बी साइड, फर्स्ट और चौथे में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बस यही है आपका इजली। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे दिया गया है व्हेन द एमिटर बेस जंक्शन, ठीक है। यहाँ पे है हमारा कोई पीएनपीएन है या फिर एनपीएन है, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। ये पीएनपीएन ले लो या फिर एनपीएन ले लो, पीएनपी या एनपीएन जो भी हो। ये आपका एमीटर है और ये आपका बेस और ये है आपका कलेक्टर। क्वेश्चन दिया गया व्हेन द एमीटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। एमीटर बेस जंक्शन मान लो यहाँ पे ये आपका रिवर्स बायस में है, तो जो कलेक्टर की जो करेंट होगी वो आपकी क्या होगी, ठीक है, ये पूछा गया आपका। तो नॉर्मली तो हमें पता है कि जो बेस और एमीटर होता है ये आपका फॉरवर्ड में होता है, ठीक है। चार टाइप के मोड होते हैं इसलिए अगर मैं हम लोग मोड की बात कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही है। देखो यहाँ से जो है मोड पे आपको दे देगा, मोड दे देगा और मोड दे देगा यहाँ पे एमीटर और बेस की बायसिंग, और यहाँ पे कलेक्टर और बेस की बायसिंग, ठीक है। और यहाँ पे यूजेस पूछ लेता है, ठीक है। तो ये लिस्ट थोड़ा सा लिख लीजिए, जो बिगनर है उनको भी लेके चलना है भाई, बहुत लोग जानते होंगे आई थिंक, मुझे पता है। देखो कट मोड जो होता है आपके टोटल चार मोड होते हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, बन नहीं सकता, बना भी है आपका, ठीक है। तो मोड कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। कौन सा मोड, ये शायद आरबीनल में ही क्वेश्चन बना था अभी इसी बार, ठीक है, ये शायद बना था, किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था। जो मोड होता है ना वो चार टाइप के होते हैं, तो कट ऑफ मोड, ठीक है, एक्टिव मोड हुआ, उसके बाद आता है आपका रिवर्स रिवर्स एक्टिव, ठीक है, रिवर्स एक्टिव बोल सकते हो, हाँ रिवर्स रिवर्स एक्टिव। और एक होता है आपका सैचुरेशन, ठीक है। तो ये होता है आपका, देखो एमीटर बेस जंक्शन अगर मान लो रिवर्स बायस में है, ठीक है, एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में है और कलेक्टर बेस जंक्शन भी अगर रिवर्स बायस में है,
तो उस कंडीशन में जो मोड होगा वो कट ऑफ मोड होगा, मतलब ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा, कट ऑफ मोड में होगा, और इसे हम बोलते हैं ऑफ स्विच। ठीक है, मतलब स्विच ऑफ है का मतलब इजिली ओपन है, ठीक है, करंट नहीं फ्लो होगा। लेकिन अगर मान लो एमीटर और बेस जंक्शन अगर फॉरवर्ड में हो, ठीक है, और कलेक्टर और बेस जो है वो आपका रिवर्स में हो, तो उस कंडीशन में जो मोड होगा ना वो आपका एक्टिव मोड होगा, और ये यूज़ किया जाता है मेनली एम्पलीफायर के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, यही क्वेश्चन बनता है आपका कि एम्पलीफायर के लिए हमें एमीटर बेस और कलेक्टर बेस का क्या यहाँ पे कनेक्शन होना चाहिए। तो दोनों एमीटर बेस का फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस का आपका रिवर्स होना चाहिए, ठीक है। रिवर्स एक्टिव या फिर कभी कभी इसे इन्वर्टेड एक्टिव भी देता है ना, कन्फ्यूजन मत होइएगा, कभी कभी इन्वर्टेड एक्टिव भी देता है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। इन्वर्टेड इसमें क्या होता है ना कि ये आपका जो एमीटर और जो बेस है वो आपका रिवर्स में रखते हैं और कलेक्टर और बेस को फॉरवर्ड में रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका मोड हो जाता है रिवर्स एक्टिव या इन्वर्टेड एक्टिव। इसका नॉट मोर यूज, ठीक है, नॉट मोर यूज इसका हम यूज़ यहाँ पे नहीं करते हैं। सेचुरेशन में क्या होगा भाई, सेचुरेशन में देखो एमीटर बेस को भी फॉरवर्ड कर दो और कलेक्टर बेस को भी फॉरवर्ड कर दो ना, तो उस कंडीशन में ये सेचुरेशन मोड होगा, मतलब ये ऑन स्विच के जैसे बिहेव करेगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये घुमा के यहाँ से पूछता है यहाँ पे आपका कि कौन सा ऐसा मोड है जो आपका ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच के तरीके से काम करेगा। तो देखो स्विच के तरीके से यहाँ पे दो कंडीशन में वो काम कर रहा है, ठीक है, एक तो ऑन कंडीशन में और दूसरा ऑफ कंडीशन में। तो ये रीजन मोड जो होता है वो आपका कट ऑफ मोड और सेचुरेशन मोड, ठीक है। जब भी स्विच के बारे में बात करेगा तो आपको कट ऑफ मोड और सेचुरेशन मोड दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। और नॉर्मली क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपका कि स्विच किस मोड में काम करेगा, तो बहुत लोग कट ऑफ मोड को ही लगा देते हैं या फिर सेचुरेशन को ही लगा देते हैं, लेकिन आपको लगाना है दोनों यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ दिया गया था कि व्हेन एमीटर बेस जंक्शन, मान लो अगर रिवर्स बायस में है तो कलेक्टर करंट क्या होगा। तो देखो कोई करंट जो होगा वो आपका नहीं फ्लो होगा, अगर रिवर्स बायस में है तो कोई करंट और बेस में क्या होगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, जिसके वजह से मतलब ये रिवर्स बायस कोई करंट फ्लो होगी नहीं, ठीक है। तो जब यहाँ पे नहीं होगी तो कलेक्टर में भी क्या होगी, कोई करंट आपकी नहीं फ्लो होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है आपका ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है, मतलब ये आपका स्टॉप, मतलब कोई करंट नहीं फ्लो होगी इरेस्पेक्टिव आप PNPN हो चाहे आपका NPN हो, ठीक है, मतलब कोई करंट यहाँ पे नहीं फ्लो होगी, स्टॉप का कंडीशन हो जाएगा आपका। तो बस यही है आपका इजिली। तो चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, फॉर यूजिंग द रीजनरेटिव ब्रेकिंग द मोस्ट सुटेबल मोटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी सीरीज मोटर के लिए, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर में होता क्या है भाई, देखो अगर यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर की हम बात करते हैं, मान लो आर्मेचर में जो करंट है ना, अगर आर्मेचर के करंट को हम लोग रिवर्स कर दें, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दें डीसी सीरीज मोटर में, तो यहाँ पे टार्क बराबर क्या होता है, फाइव इंटू आई है, मतलब करंट की डायरेक्शन बदलने पे यहाँ पे टार्क की डायरेक्शन आपका बदल जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है ना कि जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग आप यूज़ करोगे वो आपका पॉसिबल नहीं है आपका, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। तो वो यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर में हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद आ जाओ सिंक्रोनस मोटर की हम बात कर लेते हैं। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि जो हमारी स्पीड होती है एक तरीके से सिंक्रोनस स्पीड होती है, मतलब क्या होता है कि देखो रीजनरेटिव ब्रेकिंग लगाने के लिए यहाँ पे जो स्पीड चाहिए ना वो हमें कम चाहिए, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड पे हम यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी सिंक्रोनस स्पीड कम चाहिए। तो सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है आपका सिंक्रोनाइजिंग होता है, मतलब यहाँ पे जो स्पीड होती है वो NS होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग NR की जो स्पीड है वो आपका मतलब कम से कम हो, ठीक है, मतलब सिंक्रोनस के इक्वल ना हो भाई, कुल मिला के सिंक्रोनस के इक्वल ना हो तो हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रोटर की जो स्पीड होती है वो आपका सिंक्रोनस के बराबर होता है ना, तो यहाँ पे हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडक्शन मोटर के बारे में, तो दो टाइप के इंडक्शन मोटर होते हैं, एक तो स्क्वायरल और एक आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे
यूज किया जाता है आपका स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। स्क्वायरल के लिए क्यों नहीं यूज करते हैं हम लोग अभी देखेंगे। देखो यहाँ पे इंडक्शन मोटर में है, क्या है कि यहाँ पे भी जो अगर हमें रिजनरेटिव ब्रेकिंग अगर यूज़ करना है तो यहाँ पे भी क्या है कि इसकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इंडक्शन मोटर की स्पीड हमें इजिली पता है कि रोटर की स्पीड कम ही होती है हमारे NS से, ठीक है, तो यहाँ पे रिजनरेटिव ब्रेकिंग अगर हमें चाहिए तो रोटर की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारा रिजनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ पे यूज़ होगा। क्योंकि रिजनरेटिव ब्रेकिंग में हमारा क्या होता है, बैक EMF जनरेटर के जैसे काम करता है ना, जो हमारी एनर्जी होती है उसे हम फिर से मतलब यूटिलाइज कर सके ब्रेकिंग के कंडीशन में, ठीक है। स्पीड बढ़ा दो तो बैक EMF बढ़ जाता था, उसके वजह से हमारा जो मतलब ब्रेकिंग पर्पज में भी हम वहाँ से जो EMF मतलब सप्लाई वोल्टेज को यूज कर सकते थे। सीरीज में क्या है, कनेक्शन को अगर बदलोगे तो टॉर्क बदल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका EMF से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंक्रोनस में भी वही है आपका, स्पीड पे मैंने बताया। स्लिपरिंग में क्या है कि यहाँ पे स्पीड कम होती है तो इसको स्पीड को हम बढ़ा के यहाँ पे रिजनरेटिव ब्रेकिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, साइक्लो कन्वर्टर चाहिए, ठीक है। साइक्लो कन्वर्टर अगर हम यूज़ करते हैं ना तो इसके वजह से हम यहाँ पे इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सब यूज़ करने से क्या है ना कि जो हमारी सर्किट होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो देखो यहाँ पे स्लिप रिंग में क्या होता है ना कि हम यहाँ पे बाहर से रोटर में रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने का मेन काम होता है कि करंट को डिक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है, और वहाँ से स्पीड को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर स्लिप बदल सकते हैं, वहाँ से हम स्लिप बदल लेंगे वहाँ से स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, टॉर्क भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे स्पीड का जो वेरिएशन है वहाँ पे रोटर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके हम इजीली कंट्रोल सकते हैं। तो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल जो मेथड होता है ना, ये काफ़ी बेनिफिट करता है हमारा रिजनरेटिव ब्रेकिंग अगर लगाना है तो, ठीक है। तो ये चीज़ स्क्वायरल केज में पॉसिबल है ना, ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटी है स्क्वायरल स्लिप रिंग में, इस वजह से स्क्वायरल केज में हम यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम स्लिप रिंग में ही ज़्यादातर हम यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो देखो इस क्वेश्चन को समझ, ये भी क्वेश्चन तो है, आप इसके लिए लिखवा लो, UPPCL के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ड्राइव ड्राइव से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है वो आपका तीन टाइप का होता है भाई, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है ये आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका इंडिविजुअल ड्राइव होता है, और सेकेंड होता है हमारे पास ग्रुप ड्राइव, और थर्ड होता है हमारे पास मल्टी मोटर ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। जो इंडिविजुअल ड्राइव होता है इसमें क्या होता है ना, मान लो किसी एक मोटर को हमें ऑपरेट करना है, ठीक है। तो जब किसी एक मोटर को चलाने के लिए सिर्फ एक ही मशीन चाहिए, ठीक है, ये मान लो हमारे पास मोटर है और एक मोटर को चलाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मशीन चाहिए, उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल ड्राइव। तो इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो लेथ मशीन है, ठीक है, लेथ मशीन, ये एग्जांपल याद रखिएगा। और इसी तरीके से हम बात करते हैं ग्रुप ड्राइव के लिए, तो इसमें क्या है ना कि मान लो एक मोटर है, ठीक है, इसको चलाना है और ये कोई कॉमन शाफ्ट है जिसमें बहुत सारे मोटर और भी चल रही है इस कॉमन शाफ्ट से, ठीक है। तो मान लो ज़रूरी तो नहीं है एक टाइम पर सभी के सभी मोटर ऑपरेट हों, ठीक है। तो ये होता है, मतलब इसमें क्या होता है, ये जो है कई मशीनों का समूह संचालित मतलब एक तरीके से होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस मशीन को चलाने के लिए सभी के सभी जितने भी मशीन है एक ही मतलब जितने भी कॉमन पैलर शाफ्ट पे जुड़े हैं एक ही साथ ऑपरेट हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, मतलब ये जो ग्रुप ड्राइव है ना इसी से क्वेश्चन बनता है। तो ये लिख लीजिएगा इकोनॉमिकल नहीं है और नॉट मोर सेफ्टी, ठीक है, नॉट मोर सेफ्टी। और इसमें क्या है ना कि मान लो मोटर या सबसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मोटर या सबसे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो इस कंडीशन में पूरी जो हमारा सिस्टम है वो आपका
होल्ड हो जाएगा, मतलब जो क्या बोलते हैं, हमारी जो प्रणाली है वो आपकी बाधित हो जाएगी। तो ये हमारा बहुत बेकार है, ठीक है। ग्रुप ड्राइव, अब बात करते हैं मल्टी मोटर ड्राइव में क्या होता है कि इसमें जैसे इस मोटर को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग से मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, इसे मल्टी मोटर ड्राइव होते हैं बोलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारा कॉस्टली पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन है आपका, ज़्यादातर आपका ग्रुप ड्राइव से ही क्वेश्चन बनता है। तो ग्रुप ड्राइव का जो पावर फैक्टर होता है ये आपका लो होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट अब मैं ग्रुप ड्राइव से बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्रुप ड्राइव का जो पावर फैक्टर होता है वो आपका लो होता है। अब यहाँ पे जो है तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ग्रुप ड्राइव का अगर डिफिनेशन भी पूछा जाता है ना, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अगर आपका डिफिनेशन अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा लिख लीजिए, क्योंकि मतलब दे के ज़्यादा तक पूछ सकता है आपका इंडिविजुअली, ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्राइव दैट इज यूज टू ड्राइव, मैंने आपको वर्किंग तो समझा ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। टू या मोर देन टू मशीन फ्रॉम लाइन ऑफ शाफ्ट थ्रू बेल्ट एंड पुली इज नोन एज ग्रुप ड्राइव, ठीक है। तो बस ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दो या दो से जो मशीनें हैं ना, वो किसी कॉमन शाफ्ट लाइन से पुली मतलब कनेक्टेड होती हैं, उसे हम ग्रुप ड्राइव बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट तो इसका कम होगा ना, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, ग्रुप ड्राइव के बारे में ही ज़्यादातर पूछा जाता है, इनिशियल कॉस्ट। तो ये आपका क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट जो होता है वो आपका कम होता है इंडिविजुअल ड्राइव से, ठीक है। मतलब इससे अगर बात की जाए, इसका कॉस्ट कम आता है और सबसे ज़्यादा मल्टी मोटर ड्राइव का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। स्पेस की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, अगर बात करें हम ग्रुप ड्राइव में अगर हम बात करें स्पेस रिक्वायरमेंट की, तो ये भी हमारा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो होता है आपका, ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पे लो। ये सब मैं ग्रुप ड्राइव के बारे में लिखवा रहा हूँ ना, ये सब आता है क्वेश्चन आपका, लो लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। और पावर फैक्टर भी इसका लो होता है, जो ग्रुप ड्राइव है इसका पावर फैक्टर लो होता है, पावर फैक्टर इज लो, रिलायबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, और ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रुप ड्राइव है वो आपका हैवी मशीन जैसे क्रेन लिफ्ट हॉस्ट के लिए आपका सुटेबल नहीं है, ठीक है। ये आपका जैसे हम बात करते हैं क्रेन्स के लिए लिफ्ट और जो हॉस्ट है इसके लिए सुटेबल आपका नहीं है, ठीक है। बस इतना ही ये पॉइंट याद रखिएगा बस, इजीली आपका, ठीक है, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा जो चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एन आइडियल सर्किट ब्रेकर शुड ऑफर, ठीक है। तो आइडियल सर्किट ब्रेकर का इजली मतलब ये होता है ना कि अगर मान लो यहाँ पे हमारा सर्किट ब्रेकर, अगर मान लो हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो आपका क्लोज है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर मान लो ये हमारा क्लोज है आपका, यानी ये क्या है, जो स्विच होगा वो हमारा शॉर्ट स्विच के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब अगर सर्किट ब्रेकर हमारा मान लो क्लोज है यानी शॉर्ट स्विच के जैसे बिहेव करेगा, तो आइडियल कंडीशन में क्या है, यहाँ पे जो इम्पीडेंस होगा वो आपका जीरो रिप्रेजेंट करेगा जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर हमारा फॉल्ट कंडीशन में है और ओपन हो जाता है, ठीक है, ओपन हो गया, तो उस कंडीशन में मान लो सर्किट ब्रेकर क्या है, ओपन है, तो ये ओपन स्विच के जैसे बिहेव करेगा और उस कंडीशन में जो है ये इम्पीडेंस होगा वो आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा आपका। आइडियल सर्किट ब्रेकर में देखो पहले तो जीरो होगा, ठीक है, उसके बाद इनफाइनाइट इम्पीडेंस होगा आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे बिफोर मतलब पहले,
पहले का मतलब बिफोर का मान लो क्या, पहले जैसे कि मान लो अगर कोई हमारी सर्किट है इजली कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में बना हुआ है, तो क्या होगा, सर्किट क्लोज होगी ना। यानी बिफोर का मतलब पहले सर्किट क्लोज होगी, कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन आफ्टर, अगर मान लो सर्किट में कोई फॉल्ट आता है, उसके बाद जो होगा वो क्या होगा, इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया। और सर्किट पहले क्या है कि फॉल्ट अगर नहीं है तो सर्किट ब्रेकर क्या होगा, क्लोज होगा, तो इम्पीडेंस हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो मान लो अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो क्या होगा, सर्किट मतलब नॉर्मल सर्किट तो क्लोज ही होगा, उस कंडीशन में जो इम्पीडेंस होगा वो जीरो होगा। बाद में अगर फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में ओपन हो जाएगा सर्किट ब्रेकर, यानी इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन IC555। तो यहाँ से IC555 से क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसको मैंने डाटा बेस क्वेश्चन पे रखा हुआ है ये। ठीक है, ये सब क्वेश्चन रखने का मेन मेरा यही मकसद था कि डाटा बेस यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि छोटे मोटे इस टाइप के आप भी जान रहे हो कि डाटा बेस के क्वेश्चन आपके आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आन जो टर्न ऑन IC का जो टर्न ऑन टाइम होता है, अगर मान लो ऑन टाइम की हम बात करते हैं, तो ये होता है 0.693 RA प्लस RB इंटू C होता है। सर्किट डायग्राम देखो अगर बनाना चाहो, कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पे बस नॉर्मली मैं आपको यहाँ पे बस क्वेश्चन ये रखने का वो नहीं था मेरा, लेकिन बस आपको थोड़ा सा वो करने के लिए। आप टाइमर भी जो होता है वो आपका 693 इंटू RB इंटू C होता है। ठीक है, टोटल अगर मान लो ऑसिलेशन पीरियड निकालना हो तो यहाँ पे आपको निकालने के लिए टोटल ऑसिलेशन पीरियड जो है आपका 0.693 RA प्लस RB इंटू C। ठीक है, 0.693 इंटू RB इंटू C, बस ये वैल्यू आपको रखना था। बाकी यहाँ पे 0.693 आपका ये RA हो जाएगा, RB जो होगा वो 2 RB हो जाएगा ना, ये और ये 2 RB हो जाएगा, और C का मान हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, बस इसी को लिखा गया। तो ये सब आप उतना मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सब आप उतना मत ध्यान दीजिएगा, बस इसलिए आपको ये बस याद रखना है। डाटा बेस क्वेश्चन पे मैंने इसको रखा था भाई। ठीक है, डाटा बेस एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है JEE के एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। और बाकी IC से भी और क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। यहाँ पे आगे दिया गया है कि जो ट्रांसफार्मर का जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है ब्रिज टाइप के रेक्टिफायर में वो कितना होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका 81%। ठीक है, ये याद रखिएगा, 81% होता है। और बस आपको यहाँ से छोटा सा और यहाँ पे याद रखना है कि जो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन जो फैक्टर होता है, ठीक है, ये आपका होता है, फार्मूला याद रखना है आपको बस, DC पावर आउटपुट, DC पावर आउटपुट अपान वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, बस ये याद रखना है। ठीक है, बस ये याद आपको रखना है, जितना ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जितना ही ज़्यादा होगा उतना हमें वोल्ट एम्पियर की जो रेटिंग होगी, जो ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होगी, वो काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ बस इजली ये जानिएगा कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर मान लो ज़्यादा है, उस कंडीशन में हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर का। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये ज़रूर क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर ज़्यादा है तो जो रेटिंग होगी ट्रांसफार्मर की वोल्ट एम्पियर में वो क्या होगी, तो ये क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये यूनिवर्सली होता है। तो ये मैं आपको फार्मूला लिखवाने का मेन यही था आपका। तो आपका ब्रिज के लिए कितना ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर की हम बात करते हैं, तो ब्रिज के लिए होता है आपका 81%। ठीक है, ब्रिज के लिए होता है आपका 81%। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता है आपका 28.6%। इसी तरीके सिंगल फेज फुल वेव सेंटर टैप्ड
रेक्टिफायर के लिए कितना होता है आपका 57.2%। ठीक है, तो ये इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ब्रिज के लिए आपका 81%, सिंगल फेज हाफ के लिए जो है आपका 28.6, और आपका फुल वेव के लिए जो होता है वो 57.2 होता है। ठीक है, फार्मूला इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फार्मूला आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला से ये जो है मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड मॉसफेट। ठीक है, यहाँ पे एन मॉसफेट की वर्किंग ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का करके, तो वहाँ पे मॉसफेट का मैंने वर्किंग आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे होता कुछ नहीं है, एन चैनल का यहाँ पे जो पी टाइप का कोई मटेरियल लिया जाता है। ठीक है, एन चैनल यहाँ पे फॉर्म किया जाता है, डोपिंग यहाँ पे रखते हैं हम लोग। ठीक है, SiO2 की यहाँ पे SiO2 की एक लेयर होती है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग सोर्स और यहाँ से एक ड्रेन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे सारी वर्किंग मैंने बताया हुआ है, बस इसलिए आपको यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। तो इसलिए बस ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही है, जो ड्रेन है और जो सोर्स है आपका। ठीक है, इसे हैवली डोप्ड रखते हैं यन रीजन के साइड। ठीक है, एंड सब्सट्रेट योर बॉडी इज पी टाइप। ठीक है, तो इसमें ड्रेन और सोर्स के साथ हैवली डोप रखते हैं। ये सब मैंने वर्किंग जो है आप विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू मेजर द EMF ऑफ सेल। तो हम इसका यूज पोटेंशियोमीटर में, मतलब पोटेंशियोमीटर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर जो होता है एक तरीके से वोल्टेज सर्किट का वोल्टेज नापने के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ये आपका पैरेलल सर्किट के जरिए, मतलब पैरेलल में यूज़ किया जाता है ना। वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से एमीटर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, ये आपका सीरीज में कनेक्टेड होता है किसी सर्किट को करंट को मापने के लिए। यहाँ पे इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका होता है ज़ीरो। ठीक है, तो इसे ओम मीटर का यूज़ हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और पोटेंशियोमीटर जो होता है ये आपका दो सेलों के, मतलब सेल का जो है EMF को, मतलब दो सेल के EMF को कंपेरिजन भी किया जा सकता है और मेजर भी करते हैं हम लोग। ठीक है, या और इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम लोग मेजर करते हैं सेल का। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, सेल के EMF को भी कंपेरिजन करते हैं और EMF के रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियोमीटर से हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपका UPPCL में हुआ, UPRMINAL में हुआ, मैक्सिमम हर जगह के क्वेश्चन यहाँ पे भी इस टाइप के भी बनते हैं। पहले क्या था कि इजी टाइप के क्वेश्चन बनते थे अभी यहाँ पे एलुमिनेशन से। ठीक है, जो आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता था, मीन स्पेरिकल कंडर पावर ये सब पूछा जाता था नॉर्मली, अभी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया गया है और टू लैम्प, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए PCL में, RMINAL। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन फेवरेट हैं आपके। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि टू लैंप है जो आपका एक 25 कैंडल पावर का है, एक 9 कैंडल पावर का है, जो लोकेट है एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, ये मान लो ये लैंप ए है हमारे पास। ठीक है, और ये मान लो लैंप बी है, ये आपका कितने का है, ये आपका 25 कैंडल पावर का है और ये है आपका 9 कैंडल पावर का। ठीक है भाई, ये आपका लैंप है, ये मैंने लैंप बना दिया है। ठीक है, ये आपका लैंप है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका लैम्प, मान लो ये इसकी रोशनी। ठीक है, ये आपका, ये वाली जो डिस्टेंस हो आपका 1 मीटर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछ दिया गया है कि दो लैम्प है जो इतने का और इतने कैंडल पावर का है, लोकेट है डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर पे वो लोकेट है मतलब। ठीक है, एट विच पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द लैम्प
कौन सा ऐसा पॉइंट होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द लैंप, विल देयर बी लाइट ड्यू टू बोथ द लैंप आर इक्वल। यहाँ पे एक ऐसा यहाँ पे डिस्टेंस बताना है जहाँ पे दोनों की लाइट की जो रोशनी है वो आपका मतलब सेम यहाँ पे मतलब पड़ेगा हमें, ठीक है, वो हमें डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे जो है जो एलुमिनेशन होता है वो आपका जो एलुमिनेशन होता है, ठीक है, ये होता है आपका आई अपान आर स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे आई जो होता है वो आपका लुमिनस इंटेंसिटी होता है आपका, ये क्या है आपका लुमिनियस इंटेंसिटी है। और ये आपका होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है हमें, ठीक है। तो एलुमिनेशन यहाँ पे हमें निकालना है, मतलब दोनों लैंप की रोशनी जो है, ठीक है, एट विच पॉइंट, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा ऑन द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द लैंप, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द लैंप, यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिसमें लाइट ड्यू टू बाथ द लैंप आर बीइंग इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका, अब यहाँ पे मान लो जस्ट यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कोई ये पॉइंट पी है कि यहाँ पे इक्वल दोनों मतलब बल्ब की रोशनी यहाँ पे हमारे इस पी पॉइंट पे इक्वल पड़े, ठीक है। मान लो इस वाले डिस्टेंस को अगर हम मान लेते हैं एक्स, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वन माइनस एक्स हो जाएगी ना, क्योंकि पहले एक मीटर दिया ही हुआ है। हम अपने मन से मान लिया कि लैंप ए से लेके पी की जो डिस्टेंस है वो आपका एक्स है, और यहाँ से बी लैंप से लेके इस वाले पॉइंट तक इधर की जो डिस्टेंस है वो वन माइनस एक्स हो जाए ना, क्योंकि लेंथ क्या आपका एक मीटर है। तो अब हमें यहाँ पे जो फार्मूला है एलुमिनेशन का, आई बराबर आई बटा आर स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एलुमिनेशन जो है हमारा, मान लो पहला कंडीशन यहाँ पे है जो एलुमिनेशन है ए से लेके पी तक, मतलब ये लैंप ए से लेके इस पॉइंट तक कितना होगा एलुमिनेशन, मतलब पहले इंटेंसिटी चाहिए, इंटेंसिटी कितना है आपके पास, यही आपका इंटेंसिटी दिया है, ठीक है, 25 कैंडल पावर, तो ये आपका 25 दिया हुआ है। और यहाँ से जो डिस्टेंस हो आपका कितना है भाई, क्योंकि यही फार्मूला यूज़ करना है ना हमें, एलुमिनेशन बराबर क्या होता है लुमिनस इंटेंसिटी अपन डिस्टेंस होता है, तो ये बराबर आई, आई का मतलब लुमिनस इंटेंसिटी 25 दिया है, डिस्टेंस आपका कितना दिया है, डिस्टेंस एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एलुमिनेशन अगर हम बात करते हैं बी से लेके पी पॉइंट, ठीक है, बी लैम्प से लेके पी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे इंटेंसिटी 9 दिया गया है और डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों लाइट जो है इक्वल लाइट ड्यू टू इक्वल यहाँ पे दिया गया ना, अगर मान लो यहाँ पे लाइट ड्यू टू बाथ द लैम्प आर इक्वल, दोनों लैम्प मान लो इक्वल है यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे इक्वल, दोनों को इक्वल रीडिंग कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे इक्वल दोनों को ले लोगे तो ये हो जाएगा 25 बटा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको तिर्यक गुणा कर लेना यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 25 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसको अंदर इसको पहले ओपन कर लेना, ठीक है, ए माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है तो उसको ओपन करिएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा इसको पक्षांतर करके, ठीक है, इसका 25 का पहले अंदर गुणा कर दीजिएगा, 9 एक्स स्क्वायर को इसका पक्षांतर करके थोड़ा सा इसे इस फॉर्म में बदल लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, इस फॉर्म बदल लीजिएगा भाई, ठीक है, डायरेक्ट गुणा करिएगा, इसको पछांतर करिएगा, ऐसे आप बदल सकते हैं, और यहाँ से जब इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे ना तो दो वैल्यू आती है, पता ही होगा, ठीक है, यह इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो दो वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी एक हमारा 2.5 आएगी, और दूसरा एक्स की वैल्यू आएगी 0.625 आएगी, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व कर लीजिएगा, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है, तो ये आपका आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे जो है ये आपका x की वैल्यू इतना मीटर आ रहा है और दूसरा मान लो इतना आ रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो है मतलब ये जो पॉइंट हमें बताना है, ठीक है, ये लैंप मान लो यहाँ से रोशनी आ रही है,
ये पी पॉइंट से हमें इस वाले का डिस्टेंस बताना है, मतलब 1 - x यहाँ पे हमें कंसीडर करना है। मान लो अगर हम x की वैल्यू 2 हमारे पास आई है ना, पहले की वैल्यू अगर हम 2.5 को कंसीडर करते हैं, ठीक है, यानी 1 - x, 1 - x का मतलब है एक्स की वैल्यू हम 2.5 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, -1.5 मीटर आएगी। यानी देखो कभी भी जो डिस्टेंस है वो आपका निगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि डिस्टेंस नेवर निगेटिव, कभी भी जो डिस्टेंस है भाई वो निगेटिव नहीं होता हमारा, ठीक है। यानी हम इस एक्स की जो वैल्यू है 0.265 जो मीटर आया ना, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ये सेकेंड वाला है, ठीक है, यही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एट ए पॉइंट एट इतना मीटर फ्रॉम द 25 कैंडल पावर लैम्प, ठीक है, 1 - x करिएगा तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो एट द पॉइंट इतना 25 कैंडल, मतलब ये वाली डिस्टेंस हम ये वाली डिस्टेंस निकाल रहे थे, ठीक है, ये निकाल देंगे तो 25 से ही तो कंपेरिजन करना पड़ेगा ना, कन्फ्यूज मत होइएगा इसमें तीसरे ऑप्शन से लेके थोड़ा, ठीक है, तीसरे वाले ऑप्शन से लेके कन्फ्यूज मत होइएगा, हमने इस वाली डिस्टेंस को निकाल लिया है, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से गुणा किया एक्स की 2 वैल्यू आई, यहाँ पे हम लैम्प बी जो नौ कर्नल पावर जो है यहाँ से पी पॉइंट इसके बीच की डिस्टेंस 1 - x है, इसको हमने निकाल लिया है, हमने पहले निकाला तो निगेटिव था, दूसरी वैल्यू को निकाला तो इतना है, ठीक है। ये जो पी वैल्यू पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो कंपेरिजन हम 25 वाले से ही करेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे जो को 25 वाले से ही कंपेरिजन करेंगे ना, 9 वाले से हम यहाँ पे इस, ये भी आंसर हो सकता था लेकिन हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू को कंसिडर करना होता, ठीक है, तो वो सही नहीं है यहाँ पे आपका, ठीक है, इसको कंसीडर करिएगा 1 - x को, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा, और ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको रखा हुआ है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप हमारे साइट पर ज़रूर विजिट करते रहिएगा, www.electricalcapsule.com पे, ठीक है। और टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट होता है आपको वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो फिलहाल चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।